हेलो एवरीवन, नमस्ते। और मेरा नाम मोहित गौर है और मैं जयपुर से ही हूँ। गाने बनाता हूँ, गाता हूँ, थोड़ा सा पोएट्रीज लिख लेता हूँ। बड़ा पसंद है मुझे गाने लिखना, बनाना। तो आज मैं आप सबके सामने, मेरे कुछ दो गाने हैं जो अभी तक किसी ने नहीं सुने हैं। मतलब हाँ, मेरे घर वालों ने तो सुने ही हैं, लेकिन और किसी ने नहीं सुने। अनरिलीज सॉन्ग्स हैं और दोनों की कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं, तो वो दोनों मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो जो पहला सॉन्ग है या पहली कहानी है, उसका नाम है सुकून। नहीं, अरे ओ सुकून। ये बात है दिसंबर 2014 की। तब ना मैंने एक टीवी शो किया था, इंडियाज रॉ स्टार, स्टार प्लस पे आया था, और उसमें अपन थे सेकंड रनर अप। इससे थोड़ा सा 5-6 महीने पहले अगर बैक स्टोरी में जाएं, तो मैं कर रहा था मेरे फोर्थ ईयर में इंजीनियरिंग जयपुर से ही, और एक सपना देखा था कि इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद में ना मुंबई जाऊंगा और म्यूज़िक करूंगा। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं पता। बस प्यार था इस चीज़ से और प्यार है इस चीज़ से, तो यही सोचा था मन में कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, करना तो म्यूज़िक ही है। तो पता नहीं कैसे फोर्थ ईयर के एंड में ही मुझे शो मिला इंडियाज़ रॉ स्टार, और इस शो ने मुझे मुंबई बुला लिया। अब क्योंकि अपन इसके बने सेकंड रनर अप, तो ना टीवी पे मतलब दिखे अपन काफ़ी, उसकी वजह से ना कुछ चीज़ें बहुत अलग सी होने लगी मेरी लाइफ में, जो पहले कभी होती नहीं थी। जैसे कि फ़ोन कॉल्स बहुत आते थे, मैसेजेस बहुत आते थे, एक आदमी जो काम नहीं करता था उसके पास बहुत सारा काम आ गया। तो मैं ना थोड़ा सा चकरा गया कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही एकदम से, मतलब कुछ महीनों के स्पैन में कुछ स्पीड नहीं पकड़ ली क्या ज़िंदगी ने, और मैं कैसा इंसान हूँ बेसिकली, कैसा कि मुझे ना एकांत बहुत पसंद है। मतलब कई लोगों को मतलब कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि सब दोस्त लोग साथ में हो। मैं अपने फ्री टाइम में अकेला रहना पसंद करता हूँ। बस मेरी डायरी होती है, मेरा पेन होता है और गिटार होता है। तो मुझे ना ऐसा लगा कि यार जो सपना देखा था मुंबई का, जो सपना देखा था कि एक दिन मेरे भी गाने लोग सुनेंगे और प्यार करेंगे, वो सब तो पूरा हो रहा है। पर ना मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था सुकून, वो साला ना गायब हो गया। तो उस दोस्त, उस बेस्ट फ्रेंड, उस सुकून की याद में मैंने एक छोटा सा गाना बनाया था जो मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। सब छीन लो मुझसे भले, दे दो मुझे मेरे वो पल सुकून भरे, अरे ओ सुकून। मन ही मन तू है लापता, दरिया सदे ढूंढ
है लापता दरिया सत्य ढूंढे तुझे डूबा कहा पहले तो यारी थी बातें कई सारी थी सब कुछ देकर तुझको लेकर गया मिट्टी तेरी दिलदार थी अरे उसको मन तू है लापता दरिया सा दिल ढूंढे तुझे डूबा कहां सब छीन लो मुझसे भले दे दो मुझे मेरे वो पल सुकून भरे अरे ओ सुकून अरे ओ सुकून थैंक यू। तो ये तो पहली कहानी थी, अब एक दूसरी कहानी और है। उससे पहले ना एक बात मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इतनी प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये भी मेरा ना सपना था, मैं जब गाने लिखता था तो बहुत कम लोग होते थे जो मेरे गाने सुनना पसंद करते थे, बहुत पहले की बात है। अब तो तुम्हारे मोहित के सुनते हैं गाने थोड़े से लोग तो क्या मैं पकड़ के ना सुनाता था, जैसे ही कोई नया गाना बन जाता ले भाई आ यार प्लीज़ यार बैठ यार तू गाना सुन, मैंने बहुत प्यार से बनाया ये इसकी ये कहानी है, अब तो सुन के बता कैसा लग रहा है। तो सुनते थे नहीं सुनते थे उनके ऊपर डिपेंड करता था, पर आप सब ने सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब जो दूसरा गाना नहीं जो दूसरी कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी का नाम है दाई माँ। क्या है? दाई माँ। यह दाई माँ की कहानी। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज़ बतानी ज़रूरी है कि मैं ना कृष्णा जी से ना बहुत प्यार करता हूँ। तो हमारे ना मुंबई में जो घर है वहाँ पे कान्हा जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है जिसे हम सब गुरु कहते हैं, प्यार से गुरु कहते हैं। तो ना एक दिन मैं गुरु को बैठकर निहार रहा था, उन्हें देख रहा था, और फिर मैंने उनको कहा गुरु आप बोर हो रहे होगे यार मेरे ऐसे ही बैठे रहने से, तो मैं आपको कुछ गाने वाने सुनाऊँ। मैंने सुनाया उनको 10-15 मिनट गाने वाने सुनाए ऐसे इधर उधर के, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि बस उस भाव में ही ना उस प्रेम में ही मुझे ये गाना या ये कहानी नसीब हो गई है समझ लीजिए। तो कहने को तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ, पर इसका क्रेडिट ना मैं दाई माँ को देना चाहता हूँ। कैसे? कि जब कान्हा जी जब कृष्णा जी बहुत छोटे थे ना बाल स्वरूप में, उनकी तो लीलाएं खैर इतने सालों बाद भी बहुत फेमस हैं, उस टाइम भी फेमस हुआ करती थी।
उनका माखन चुराना, उनका छेड़ना, उनका चोरी करके भाग जाना, तो ना जिस गांव में वो रहते थे, जिस जगह वो रहते थे, वहाँ एक बहुत बूढ़ी सी दाई माँ थी। अच्छा, इन दाई माँ का ना आगे पीछे कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। घर घर जाकर मांग के जो कुछ मिल जाता खाने को पहनने को, वो सब ले लेती थी। तो ना जैसे आजकल तो क्या अपन गॉसिप करने के लिए टेक्स्ट वेक्स करते हैं, उस टाइम उस ज़माने में फेस टू फेस गॉसिपें हुआ करती थी। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ कुछ गॉसिप, तो वैसे ना फेस टू फेस सारी बातें हुआ करती थी। तो जब दाई माँ पूरे गांव में घूमती थी खाना इकट्ठा करने के लिए या कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो ना वो गॉसिपें सुनती थी एक दूसरे की। जो लेडीज़ होती ना वो आपस में कहती थी कि अरे तुझे पता है काना मेरे घर आया था, अरे माखन चुरा कर ले गया, अरे मटकी फोड़ दी मेरी, अरे तेरे साथ इतना ही किया क्या, अरे मैंने तो उसको पकड़ लिया था, हाथ छुड़ा के भाग गया मेरा। तो इस तरह की गॉसिपिंग चलती, बहुत शानदार, अलग लेवल की। अब दाई माँ जब ये सुनती, उनका मन ललचाता, सोचता कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बचे हैं। एक आखिरी इच्छा है कि जाने से पहले ना एक बार उसकी लीला का ना एक हिस्सा बन जाऊं, एक बार मैं भी उसके पीछे भागूं, मैं भी उसको पकड़ूं, देखूं, डांट लगाऊं। आप क्या दाई माँ तो बड़ी है ना, वो कान्हा जी को डांट लगा सकती हैं। तो अभी उनके मन में इच्छा जागी, पर ये पूरी कैसे हो? तो दाई माँ ने एक प्लान बनाया। कान्हा जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है गैस करोगे? माखन, है ना। तो अब दाई माँ ने प्लान ये बनाया कि क्यों ना, मेरे पास अब गाय तो है नहीं, क्यों ना मैं घर घर जाकर माखन इकट्ठा कर लूँ और फिर माखन को अपने पास में से दबा के रख लूँ घड़े में, और जैसे ही कान्हा जी आएंगे चुराने मैं उनको देख लूँगी। तो दाई माँ ने ना खुद के बचे हुए थोड़े बहुत पैसों से एक बहुत ही सुंदर सी एकदम नई प्यारी सी मटकी खरीदी और घर घर जाकर माखन मांगने लगी, जिससे जो मिल जाता लेकर सुबह निकली। सुबह से दिन हुआ, दिन से शाम, और दाई माँ की मटकी पूरी भर गई। अब दाई माँ बहुत खुशी खुशी धीरे धीरे चल के अपनी कुटिया में जाती हैं, सांकल लगाती हैं गेट पे, और मटकी पे ना ऐसे हाथ रख के बैठ जाती हैं। अब कान्हा जी आएंगे। वेट करते करते शाम से रात होती है, रात से और गहरी रात, कोई नहीं आता, कोई नहीं। तो दाई माँ के ना हृदय से एक बात निकलती है। सुना है मैंने गांव से छलिया है तू बड़ा, चुपके से आवे घात में खाली कर जावे रे घड़ा। सुना है मैंने गांव से छलिया है तू बड़ा, चुपके से आवे घात में खाली कर जावे रे घड़ा। काटू रतियां जगी तेरे हूं इंतजार में, घूमे रे घूमे दरे सभी, जोड़ा है जो भी प्यार से,
खन चोर चले ना मेरा जोर वरना भागू पीछे मचाऊ मैं भी शोर अरे ओ माखन चोर चले ना मेरा जोर वरना भागू पीछे मचाऊ मैं भी शोर अरे ओ माखन चोर अरे ओ माखन चोर दाइमा सो गई है ना सो रही है शोर मत करो आधी नींद में एकदम कच्ची सी नींद में आधी आंखों में किवाड़ खोलती हैं छोटा सा बच्चा खड़ा है बोलता है अरे दाइमा कुछ खाने हो खाने को है क्या भूख लग रही है तो दाई बोलती हाँ यार बच्चे कुछ रखा था मैंने किसी के लिए माखन तुझे ला कर देती हूँ थोड़ा सा दाइमा जाती है मटके के पास में देखती है पूरा मटका खाली पीछे मुड़ती है तो बच्चा गायब द एंड थैंक यू तो ये थे मेरे दो गाने दो कहानियाँ इतनी प्यार से सुनने के लिए वापस से थैंक यू और आप चाहें तो मेरा YouTube चैनल है उस पे गाने आने वाले हैं जल्दी तो देख लेना और Thank you so much again. Thank you for having me.